कहीं भी आ जाए। जी मौजूद नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम जिस पे हम जितना फख्र करें कम है, उमर शरीफ साहब यहाँ पे मौजूद हैं। उमर भाई कैसे हैं आप? आप सुनाएं कैसे? जी दुआएं आप सब ठीक ठाक है। ईद कैसी गुजर रही है उमर भाई आपकी? बहुत शानदार, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है। रिहर्सल हो रही हैं, ड्रामे की तैयारियां हो रही हैं, कुछ घर में तैयारियां हो रही हैं, बस इसी में लगे। ड्रामे में सिफारशी लोग ज्यादा होते हैं? हाँ जी, आपके ड्रामे में सिफारशी लोग ज्यादा होते हैं? हमारे ड्रामे में भाई सारे कमर्शियल लोग होते हैं। यार इंटरव्यू कर रहे हैं जी, जी आप खामोश माइक लेके बैठे हैं। आपके साथ है? नहीं मेरे साथ तो नहीं। आप किसके साथ है भाई? आप चले बात करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं उमर शरीफ साहब। कैसे उमर भाई? बस अल्लाह की करम। उमर भाई, इस ईद पे आप क्या तोहफा दे रहे हैं हमारे नाज़रीन को? हम दे रहे हैं कराची के लोगों को ड्रामा दे रहे हैं। उस ड्रामे का नाम है पीवी चांद पर मियां दुकान पर। तो ये आप अपना ड्रामा बना रहे हो, इंडिया का स्क्रिप्ट ले लिया करें। क्या ले लिया करें? इंडिया का स्क्रिप्ट ले लिया करें, इतनी मेहनत करने की। इंडिया का स्क्रिप्ट लूंगा, इंडिया वाले मेरा स्क्रिप्ट लेते। कौन है तू? है कौन यार तुम? बीच में काहे के लिए बोल रहे हो भाई? आप क्यों बोल रहे हो? इंडिया का ड्रामा आपने? इंडिया के सारे लोग तो मेरा ड्रामा कॉपी करते हैं वहाँ पे बैठ के। जब आपको पता नहीं है, आपको जब एक बात का पता नहीं है, आप दूसरी मरतबा बोले, तीसरी दफा मत बोलिएगा। यहाँ के लोग इनकी नकल करते हैं, आप या खामोश छोड़ो ना बस। वो जो भी करते हैं ठीक है, सबको पता, पूरी दुनिया जानती है। आप चले चले दोबारा से याद ले लो रिटेक। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है उमर शरीफ साहब। आइए हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। उमर भाई कैसे हैं आप? बस अल्लाह की रहमत। और इस ईद पे भी सुन रहे हैं कि आप धमाका करने वाले हैं, एक ड्रामे की सूरत में। यार धमाका मत को, धमाके लोग समझते पता नहीं क्या करने वाले, ड्रामा करने वाले। पाकिस्तान में सिर्फ काम करते हैं, इंडिया में क्यों नहीं करते? अगर आप बोले तो मैं आपको करवा दूँ वहाँ पर। कहाँ पे? इंडिया के अंदर। मुझे इंडिया में, इंडिया में, इंडिया में, इंडिया में कौन है? कौन तू है? वो कौन किस लिए यहाँ पर, किस लिए तुम कर रही हो सब बात? मुझे बताने बात किस लिए कर रहे हो? बीच बीच के अंदर इंडिया में क्यों नहीं कर रहे? सिफारिश करा तू है? यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा कि उमर भाई यहाँ पर है, तो मैंने चलो मैं जरा सा मैं बैठ जाऊँ। नहीं जरा सा बैठ गया, बिल्कुल ही बैठ गया यहाँ पे, बिल्कुल ही बैठ गया तू यहाँ पे। आपके साथ मेरे साथ नहीं आया था? नाराज हो रहा है? नाराज क्या कर रही है? एक भाई तो भाई की क्या बात है? आप तो नाराज हो रहा है कैसे? मैं तो आया कह रहा हूँ बाहर निकल। कौन है? कौन ये मालूम नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया। मैं समझा आपका नौकर है, कोई ड्राइवर है? नहीं कोई ड्राइवर है, मैं जानता नहीं। कौन है तुम्हारे पास? तो मैं यहाँ से, मैं तो ये समझा कि ये मतलब यहाँ पे आपका कोई ड्राइवर है या कोई? मैं ड्राइवर मेरा नहीं, इस टाइप के ड्राइवर रखूंगा क्या मैं? कौन है आप? इनसे पूछेंगे कौन है, आए कैसे आर्ट काउंसिल में? तो मैं तो ऐसे ही आया था आपको देखकर कि आप यहाँ पर बैठे ना, चलो मैं भी इंटरव्यू ले लूँ। जब एक बंदा यहाँ से इंटरव्यू ले रहा तो मैं भी। अबे ये कोई राशन है कि मैं भी ले लूँ? और शर्म बट रहा है, मैंने बढ़ाई बट रही है, मैं ले लूँ ये कोई इंटरव्यू? सलाम वालेकुम। अरे वाले सलाम, बहुत क्या है ये? हाथ में क्या हुआ है? ये हाथ में तो बाद में बताऊंगा, इत्तेफाक से ये दोनों मेरे बंदे, मैंने आपसे मुलाकात कराया। यार खुदा के बंदे यार, अब से वो बच्चे को तीन चार थप्पड़ मार दिए। मैं अभी मेरे आठ फोन तो मानूंगा, वहां से लगा था भाई, बाहर निकाल।